नमस्कार, हिंदू जाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट की नागपुर जिला अध्यक्ष इंदु शर्मा द्वारा जरूरतमंद बालिकाओं को नोटबुक्स वितरित किया गया, जिसमें अनेकों बालिकाओं ने इसका लाभ लिया। उप राजधानी नागपुर के अनंत नगर स्थित RMS कॉलोनी परिसर के हनुमान मंदिर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संगठन की नागपुर जिला अध्यक्ष इंदु शर्मा की ओर से जरूरतमंद कन्याओं को निःशुल्क नोटबुक वितरण किया गया, जिसमें पश्चिम नागपुर के आसपास के कई जरूरतमंद परिवारों ने निःशुल्क नोटबुक वितरण कार्यक्रम में सहभाग लिया। इस अवसर पर ब्रह्मदेव ब्राह्मण समाज की अंजू पांडे, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सुहासिनी जोग, सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण चंद्र वंशी एवं समाज सेविका सुधा दास प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सर्वधर्म संभाव की भावना रखने वाली सामाजिक कार्यकर्ता इंदु शर्मा द्वारा आयोजित निःशुल्क नोटबुक वितरण कार्यक्रम में सभी धर्मों की कन्याओं ने हिस्सा लिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ संगठन की नागपुर जिलाध्यक्ष इंदु शर्मा द्वारा आयोजित निःशुल्क नोटबुक वितरण कार्यक्रम में उपस्थित ब्रह्मदेव ब्राह्मण समाज की अंजू पांडे व सेवानिवृत्त मुख्याधीपिका सुहासिनी जोग ने अपने संबोधन में उपस्थित बालिकाओं को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित नारी समय आने पर अपने परिवार व समाज का सहारा भी बनती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट की नागपुर जिलाध्यक्ष इंदु शर्मा की ओर से जरूरतमंद बालिकाओं के लिए निःशुल्क नोटबुक वितरण कार्यक्रम के दौरान हिंदू जाला टीवी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी रूढ़िवादी समाज में लड़कियों की उपेक्षा की जाती है। उनका मानना है कि बेटियां शिक्षित हो तो दो कुल का सहारा बनती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आयोजन है, ये ट्रस्ट है, मुंबई से हमको जिम्मेदारी दी गई यहाँ नागपुर के लिए, नागपुर जिला अध्यक्ष बनाया गया मुझे, उसी के तहत आज मैं पहली बार ये पहला कार्यक्रम दी हूँ बेटियों के लिए। और जो जो रजिस्टर आज उनको वितरण किया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में ये दोनों में अंतर क्या है? बेटी बचाओ यानी जो गर्भ में ही भ्रूण हत्या कर देते हैं उससे पहले लोग, और कोशिश करते हैं लोगों का लड़कों के प्रति ज़्यादा ये होता था, तो अभी भी मैं कहीं कहीं पेपर में पढ़ती हूँ और सुनती हूँ कि बेटी हुई तो उसको कहीं ले जाके लावारिस छोड़ दिए, जंगल में छोड़ देते हैं, कभी पिता कभी माता। तो उसी के तहत हम बेटी को बचाएं। बेटी दो दो कुल का नाम रोशन करती है, ससुराल में भी और मायके में भी। बेटियां हैं तो कल है, बेटी अगर नहीं है तो वंश नहीं चल पाएगा। तो बेटियों को हम चाहते हैं कि उनको कभी भी किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। जैसे वो ससुराल भी जाती हैं तो उनको कभी कभी तकलीफ़ होता है, तो हम चाहते हैं कि हम उनको पैरों पे इतना खड़ा कर दें कि कल चल के वो 10 लोगों को पाल सके, वो किसी पर बोझ ना बने कि उनको कोई कहे कि तुम हमारे ऊपर बोझ हो। जैसे माँ बाप कहते हैं कि तुम पराए घर जाओगी पराई धन हो, और ससुराल में जाने के बाद कहते हैं कि बाप के घर से लाई है क्या तुम्हारा वो है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको कोई इस तरह की बातें ना करे, वो स्वाभिमान की ज़िंदगी जिए और अपने पैरों पे खड़ा रहें, और वो 10 लोगों को पालें और वो ऐसा कुछ कर दिखाएं कल चल के, जैसा आज मैं किसी को मदद कर रही हूँ उसी तरह से वो भी कल चल के सबको मदद करें। मदद छोटी हो या बड़ी, मदद मदद होती है। कोई व्यक्तिगत तौर पर करता है और कोई संगठन बनाकर। ऐसे ही एक चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजय दुबे, वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है राजेश दुबे, वो नागपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है वरिष्ठ व प्रख्यात समाज सेविका इंदु शर्मा को। इसी तर्ज पर अपने ट्रस्ट के माध्यम से कार्य शुरू किया है इंदु शर्मा ने, जिसके तहत उन्होंने सबसे पहले अत्यंत जरूरतमंद बालिकाओं के लिए एक छोटी सी पहल करते हुए नोटबुक्स वितरण का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में उन गरीब तबके का परिवार वो बालिकाएं शामिल हुई जिन्हें उस चीज की आवश्यकता थी। बहरहाल समाज में ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें आर्थिक व जरूरी चीजों की आवश्यकता रहती है, लेकिन वे अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से उसे पूरा नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की समय समय पर समृद्ध लोगों ने मदद करते रहना चाहिए।